द नॉलेज गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, यूपी टीईटी में बहुत बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो गया है ये, और ये इसका एग्ज़ाम है जो 18 नवंबर को निर्धारित किया गया है, और इसका एडमिट कार्ड बोला है 30 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और इसके चलते अभ्यर्थी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और जिन्होंने फाइनल प्रिंट नहीं निकल पाया था वो एक बार न्यूज़ में आया था, मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें ये बता रहा था कि जो 50,000 लोग नहीं फाइनल प्रिंट निकाल पाए, जिनकी फ़ीस जमा है वाकई में, वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। और इसके यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सर्वर पर अत्यधिक लोड की वजह से आवेदन शुल्क भुगतान करने हेतु तो एक नया सर्वे स्थापित किया गया है, और नीचे लिंक है, उस समय किया गया था नया सर्वर, तब भी नहीं हो पाया था। तो इसके चलते यहाँ 18 लाख हैं, ये चुनौती भी है सरकार को एग्ज़ाम कराने के लिए। तो कैसे एग्ज़ाम कराएगी ये, तो एक 18 नवंबर को असिस्टेंट और प्रोफेसर की एक एग्ज़ाम होगा, और मतलब तीन हैं, तीन एग्ज़ाम होंगे, एक सरकार भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसका एक जो रिजल्ट है यूपी टीटी का 8 दिसंबर को आ जाएगा, और 10 दिसंबर को प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जैसे सर्वर में लोड है, इसलिए शायद जो एडमिट कार्ड में देरी भी हो सकती है, इससे जो स्टूडेंट हैं घबराए नहीं। और मेरा वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो तो लाइक भी करते चलिए साथ में। और जी हाँ, इसका जो इसकी डेट 30 अक्टूबर को एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 2 बजे के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे, और 18 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा 2 पालियों में, 10 से 12:30 बजे तक होगा, और फिर 2:30 से 5 बजे तक होगा दूसरी पाली में। जी हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, कमेंट कर दें, तो मैं आपको एकदम लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा।